મહદ્દીઝે આઝમ મિશન સુરત દ્વારા 18મો સંલગ્ન સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં 30 યુગલોએ પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા હતા. તો આગામી ફેબ્રુઆરીમાં રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ 19મો સંલગ્ન સમારોહ મહદ્દીઝે આઝમ મિશન દ્વારા યોજાનાર છે. હાલ દરેક સમાજની ધર્મમાં સમૂહલગ્નની આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેથી લોકોના સમય અને પૈસાની બચત થાય. તે સુરત શહેર રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સમૂહલગ્નનું મુસ્લિમ સમાજમાં મહદ્દીઝે આઝમ મિશન દ્વારા આયોજન કરાયું છે. જે અંતર્ગત રવિવારના રોજ મહદ્દીઝે આઝમ મિશન સુરત દ્વારા 18મો સમૂહલગ્ન એટલે કે ઇત્તેમાય નિકાહનું આયોજન કરાયું હતું. રાંદેર રોડ દિવાળી બાગ ખાતેના મનપા કોમ્યુનિટી હોલમાં યોજાયેલા સમૂહ લગ્નમાં 30 યુગલોએ પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા છે. મેરા નામ ઇમરાન ખેડાવાલા હૈ, મેં અમદાવાદ જમાલપુર ખાડિયા સે એમએલએ હું. આજ મેં સુરત કે અંદર જો ઇજ્તમાઈ શાદી કે લિયે આયા હું, ઉસમેં ખાસ કરકે 30 દુલ્હા ઓર દુલ્હનોં ને હિસ્સા લિયા હૈ. મહદ્દીઝે આઝમ મિશન કે જરિયે સે યે શાદી હો રહી હૈ. ઇન્હોને ये 18वीं शादी कर रहे हैं और अभी तक 2000 से ज़्यादा बेटियों की शादी इन संस्था के जरिए से हुई है. मैं इनको खूब मुबारकबाद देता हूँ, खास करके आज की शादी के अंदर जिन लोगों ने अपने तरफ से जो भी मेहनत की है, जिन लोगों ने चैरिटी की है, उन तमाम लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ. और इस जो मिशन के साथ जुड़े हुए तमाम नौजवान हैं, नौजवानों को भी मैं खूब मुबारकबाद देता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुहद्दिस आज़म मिशन सूरत ब्रांच की जानिब से ये इज्तमाई निकाह का प्रोग्राम है, जिसमें 30 से ज़्यादा जोड़ों का निकाह एक साथ हो रहा है. ये एक जज्बा है हमें अपने कौम में लोगों को के लिए सहारा बनना. मिशन के सिपाही हमारे मुहद्दिस आज़म मिशन ब्रांच के हर तरफ पहुँचे हैं और उन्होंने लोगों से राबता किया, तो माशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ. इससे वो लोग बेचारे जो जिनके माँ और बाप बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों की शादियाँ कैसे होंगी, उनका पूरा बंदोबस्त आप देख भी रहेंगे, आपने इसको भी कैच किया होगा. जिस हिसाब से पूरी गृहस्थी के सामान के साथ उन्हें आज यहाँ से रुख्सत किया जाएगा. और ये पैगाम है हमारे मुहद्दिस आज़म मिशन की तरफ से कि और भी ब्रांचें हमारी जो इस तरह का काम कर रही हैं, हम चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की दूसरी संस्थाएँ भी काम कर रही हैं और गरीबों की मदद का, देश की सेवा का, कौम की सेवा का ये जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जाए. और हम यही पैगाम देंगे कि वो मज़हब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और अगर वो मज़हब इस्लाम को समझ करके अपने आगे की ज़िंदगी को गुजारेंगे तो कभी किसी चीज़ की कमी उनकी लाइफ में नहीं आएगी और बहुत सुनहरी और अच्छी लाइफ उन्हें जीने का मौका मिलेगा. मेरा नाम रुबीना है. ये समूलगन मस्जिद से आज़म मिशन है और ये समूलगन बहुत अच्छा है. यहाँ पे सबका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है. और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये है कि यहाँ की जो दुआएं मांगी है वो हमसे सबसे बड़ी, हमारे लिए यही बात बहुत अच्छी है कि जो दुआ के साथ हुआ. आपका इस संस्था के साथ कॉन्टेक्ट कैसे? पहले इससे पहले भी शंभुलगन में मेरी बहन का हुआ है, तो इसी वजह से हमारा इनके साथ पहले से ही कॉन्टेक्ट है. इससे पहले 7 बरस पहले मेरी बहन का भी निकाह यहीं हुआ है. यहाँ का आयोजन तो बहुत माशाल्लाह है, बहुत खूबसूरत है. उन लोगों को शुक्रिया कहना चाहोगे? उन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह उनको हर ऐसे ही आगे भी ऐसे ही तौफीक दे, जो बेटियां है गरीबों की उनका साथ देने की. મહદ્દીઝે આઝમ મિશન દ્વારા આયોજિત સમૂહ લગ્નમાં યુગલોને તમામ ઘરવખરી ચીજ વસ્તુ પણ અપાઈ હતી, તો ઉપસ્થિત સમાજ અને સહેના આગેવાને નવ યુગલોને આશીર્વાદ આપ્યા છે. આગામી ફેબ્રુઆરી માસમાં મહદ્દીઝે આઝમ મિશન દ્વારા મોડાસામાં 19મો સમૂહ લગ્ન સમારોહ યોજાના છે, જેમાં પણ 30 યુગલો પ્રભુતામાં પગલાં માંડશે.